हाय फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। आज हम आप लोगों को ये पैजामा, न्यू स्टाइल का पैजामा बनाना बताएंगे। इस पैजामे को कोई भी शेरवानी हो, कुर्ता हो या कुर्ती हो, किसी के साथ भी वेयर किया जा सकता है। ये बहुत खूबसूरत लगता है पहनने में। इस तरह से देखने में उतना खूबसूरत नहीं लगता जितना कि पहनने में लगता है। तो इस पैजामे को बनाने के लिए थोड़ा कटिंग और स्टिचिंग में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन बनाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको बनाने का पूरा स्टेप हम आपको डिटेल से बताएंगे। इसको आप बड़ों के लिए भी बना सकती हैं और छोटे बच्चों के लिए भी बना सकती हैं। इस पैजामे को लड़कियां भी चाहें तो अपने कुर्ती वगैरह पे बना करके पहन सकती हैं। वैसे तो मैंने इसको कुर्ते के साथ पहनने के लिए बनाया है। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। ये कपड़ा मेरा 75 सेंटीमीटर है, जबकि हमें इस पैजामे को बनाने के लिए 1 मीटर पूरा कपड़ा लेना होगा। लेकिन मेरा कपड़ा 2 पार्ट में है, ये स्टिकर लगा हुआ है तो इसे निकाल देना है, इसीलिए मैंने 2 पार्ट में कपड़े का यूज़ किया है। इस कपड़े को लगा करके बनाएंगे। ये पैजामी लगभग 4 से 5 साल तक के बच्चों के लिए है और इस पैजामे को 1 मीटर कपड़े में बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी कटिंग किस तरह से करना है वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ की चौड़ाई हम नाप लेंगे कि हमें कितनी चौड़ाई रखनी है। बच्चों की हेल्थ के हिसाब से इसकी चौड़ाई रखी जा सकती है, लेकिन ये मैंने 13 इंच की चौड़ाई रखी है। और इसको पहले हम उसी 13 इंच की चौड़ाई में इसको डबल फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए, हमने एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर दिया है। इतनी चौड़ाई में हमने कपड़े को निकाल दिया है। इसे हम साइड में रख देंगे और इस कपड़े को फिर से उसी तरह डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसे एक बार और फोल्ड करेंगे और जो ये हमारा स्टिकर, ये जो प्रिंट छपा हुआ है उसे हमें निकालना है, तो वहाँ तक हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए, यहाँ तक मेरी लंबाई 10.5 इंच आ रही है, तो हम 10.5 इंच की लंबाई में इसे यहाँ से कट कर देंगे। अब इसे यहाँ से फिर एक बार और अलग कर देंगे, क्योंकि हमारे दोनों जांघों की चौड़ाई ये है, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसलिए हमारे दोनों पैर का हिस्सा ये बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और फिर नीचे की कटिंग करेंगे। तो नीचे की कटिंग करने के लिए जो दूसरा वाला कपड़ा मैंने लिया था उसमें से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से चौड़ाई नाप लेंगे कि हमें चौड़ाई जितनी चाहिए उतनी आ रही है या नहीं। तो देखिए, हमारी चौड़ाई बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। अब यहाँ से चौड़ाई नाप लेंगे एक बार फिर से और यहाँ से लंबाई नाप के हम कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो देखिए, हमने 16 इंच की लंबाई इसकी ली है। अगर आपके कपड़े की लंबाई थोड़ा सा कम है तो भी चलेगा, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक लगाना है, तो इलास्टिक की लंबाई हमें उतनी रखनी होगी जितनी हमें पैजामे की लंबाई तैयार करनी है। अब यहाँ से इस कपड़े को भी हम अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि ये वाला कपड़ा हमारे दोनों पैरों का है, तो यहाँ से इसे हम कट कर देंगे। तो हमने कपड़े को यहाँ से कट कर दिया है। अब यहाँ से इस कपड़े को रखेंगे और यहाँ से ऊपर वाले कपड़े को रखेंगे। तो दोनों की चौड़ाई आपको एक बार फिर से बता दें कि कितनी चौड़ाई लंबाई हमने रखी है। देखिए, यहाँ की लंबाई जो है 16 इंच है और इसकी चौड़ाई 12 इंच है। ये नीचे वाला पार्ट है, पैर का निचला हिस्सा, और ये ऊपर कमर के पास का है। तो देखिए, इसकी लंबाई 10.5 इंच है और चौड़ाई जो है 13 का यानी डबल 26 इंच है। तो ये 2 पार्ट हमारा हो चुका है। अब ऊपर बेल्ट की कटिंग करना है, तो बेल्ट की कटिंग के लिए हम ये कपड़ा लेंगे और इसको डबल पार्ट में कर लेंगे। और यहाँ से इसकी चौड़ाई देख लें, 5 इंच है, जो कि हमें 5 इंच की ज़रूरत है। 1.5 इंच हमारा नेफा में जाएगा बेल्ट में, और बाकी कपड़ा बेल्ट के लिए बचा रहेगा। और इसकी लंबाई हमें रखना है 15 इंच। बच्चों की हेल्थ के हिसाब से इसकी चौड़ाई रखी जा सकती है। हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 15 इंच। अगर थोड़ा हेल्दी बच्चे हो तो इसे 1-2 इंच बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए, हमने 15 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। यहाँ से हम कपड़े को कट कर देंगे और यहाँ से इसे हम फिर अलग कर देंगे। ये हमारे दोनों पैरों के हिस्से का अलग अलग बेल्ट हमने कटिंग किया है। तो इस तरह से हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है और नीचे के दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर ली है, यानी हमारे पैजामे की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके लिए म्यानी की कटिंग करेंगे, क्योंकि म्यानी बच्चों के पैजामे में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर वहाँ की सिलाई टूट जाती है, तो इसलिए मैं हर पैजामे में म्यानी ज़रूर लगाती हूँ। म्यानी आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो लगाएं, चाहे तो इसे स्किप कर दें। तो देखिए, हमने म्यानी की भी कटिंग कर ली है। अब इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके लिए इलास्टिक कटिंग कर ली है। देखिए, हमने 6 पीस इलास्टिक की कटिंग कर ली है। दोनों पाँव में 3-3 पीस हमें लगाना होगा।
लास्टिक की लंबाई हमने रखी है 7 इंच, थोड़ा सा नीचा ऊंचा हो सकता है लेकिन वैसे हमने 7 इंच की सभी लास्टिक को कट कर लिया है। देखिए 7 इंच इसकी लंबाई हमने रख दी है। ये दोनों अलग अलग पैर की लास्टिक है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब इस वाले कपड़े को हम खोल लेंगे, ये नीचे वाला कपड़ा है पैर के निचले हिस्से का। अब इसमें हम निशान लगा लेंगे दोनों पार्ट में अलग अलग, कि हमें लास्टिक जहाँ पे सिलाई करना है वहाँ हम निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इंच टेप से इसकी चौड़ाई नाप लेंगे और इसके 3 पार्ट में निशान लगा लेंगे, यानी कि चौड़ाई 12 इंच है तो 4, 8 और 12 इसके सेंटर में इस तरह से 4-4 इंच की दूरी पे हम निशान लगा लेंगे। दोनों में हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम सिलाई करेंगे तो ये सिलाई हमारी लगभग 1.5 इंच अंदर चली जाएगी, तो ये हमारा लास्टिक वाला निशान थोड़ा साइड में चला जाएगा, तो इसलिए इसकी दूरी हम कम कर देंगे। तो पहले हम सेंटर में निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद हम 1.5 इंच की दूरी पर यानी कि 3 इंच पर इसका लास्टिक का निशान लगा देंगे, क्योंकि 4 इंच पे निशान लगाने में ये लास्टिक हमारी थोड़ा साइड में जा रही थी, इसलिए मैंने 1 इंच कम कर दिया है। तो 3 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। इस निशान को हम ऊपर तक ले जाएंगे, सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने निशान को इस तरह से सीधा कर लिया है, दोनों पाँव के हमने निशान ऊपर तक लगा लिए हैं। अब इस पर हमें लास्टिक की सिलाई करनी होगी। तो सबसे पहले हम एक पीस लास्टिक को हटाएंगे, 2 पीस को लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। दूसरी वाली लास्टिक को भी हम उसी तरह से सिलाई कर लेंगे। हम दोनों पार्ट को सेम उसी तरह से लास्टिक लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों कपड़े में लास्टिक लगा करके इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। देखिए लंबाई में खींचने पर ये इस तरह से लंबा हो जाता है, लेकिन फिर वापस वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो इस तरह से हमने दोनों को तैयार कर लिया। अब इसे साइड में रखेंगे और ये वाला कपड़ा हम लेंगे जो हमने ऊपर वाला पार्ट हमने कटिंग किया था। तो इसको पहले अलग अलग 2 पार्ट में कर लेंगे और ये जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ हम छोटा छोटा कट लगा देंगे। दोनों पार्ट में हम इसी तरह से निशान लगा देंगे। तो अब इसे हम ओपन करेंगे इस तरह से और यहाँ से हम प्लेट डालेंगे। अपने हिसाब से हम प्लेट डालेंगे, जितनी चौड़ाई है हम बेल्ट के हिसाब से इसमें छोटा छोटा प्लेट डालेंगे दोनों साइड। हम प्लेट उतना डालेंगे जितना हमारे बेल्ट में आ जाए, उसी हिसाब से हम इस प्लेट को बना लेंगे दोनों कपड़े में। इसी की चौड़ाई से हम नाप करके इस प्लेट को बना लेंगे। उसके बाद हमें इस कपड़े को ज्वाइंट करना होगा, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इस प्लेट को हम बना लेते हैं। तो देखिए हमने कपड़े में प्लेट डाल ली है, दोनों कपड़े में हमने प्लेट लगा करके तैयार कर ली है इस तरह से। अब इसमें हमें बेल्ट को ज्वाइंट करना होगा, तो सबसे पहले हम बेल्ट वाला कपड़ा लेंगे और इस कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे कपड़े को सीधा करके, फिर उस पर एक और सिलाई लगा लेंगे। दूसरे वाले पार्ट में भी हम सेम उसी तरह से इस पर एक सिलाई लगाएंगे, फिर इसे सीधा करके एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों को हम पहले इसी तरह से बना लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों कपड़े में सेम सिलाई लगा ली है, उसी तरह से हमने बेल्ट को ज्वाइंट कर लिया है दोनों पार्ट में। अब इन दोनों पार्ट में हमें नीचे वाला हिस्सा, जो ये लास्टिक वाला हमने तैयार किया है, इसे हमें ज्वाइंट करना होगा। तो इसे किस तरह से ज्वाइंट करना है वो भी आपको बता दें। इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम दोनों साइड निकालेंगे बराबर बराबर और फिर उसको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे और नीचे हम एक सिलाई से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको भी इसी तरह से सिलाई कर लिया है। देखिए दोनों साइड हमने बराबर बराबर कपड़ा छोड़ा हुआ है, इसको बिल्कुल बीच से हमने सिलाई की है। ये सिलाई के बाद इस तरह से तैयार हुआ है। अब दोनों पार्ट को हमने सेम उसी तरह से तैयार कर लिया है। अब दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसे पकड़ लेंगे कपड़े को, और यहाँ से भी हम कपड़े को सेम दूरी पे एकदम बराबर करके पकड़ लेंगे और इस तरह से हम इसे रखेंगे। और फिर यहाँ से हम बेल्ट का निशान लगाएंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर हम आसन का निशान लगाएंगे। हम 10 इंच के लगभग 10 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसे हम इस तरह से तिरछा कट कर देंगे। तो देखिए हमने इस तरह से इसको तिरछा कटिंग कर दिया है। अब इसे हम फिर से खोलेंगे, दोनों पार्ट को इस तरह से आमने सामने रखेंगे और फिर इसमें हमें म्यानी को ज्वाइंट करना है। तो म्यानी को हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, दोनों म्यानी को हमें ज्वाइंट कर लेना है इसमें। तो दोनों कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद एक कपड़े को यहाँ ज्वाइंट करेंगे, इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर इस वाले पार्ट में हम इसे ज्वाइंट कर देंगे।
फिर दूसरी म्यानी को इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर उस घर वाले पार्ट में हम ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए हमने म्यानी को दोनों पार्ट में अलग अलग इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें बेल्ट बनाना है और नीचे की सिलाई करनी है। नीचे हमें सिलाई लगा करके पूरी गोलाई बंद करनी है। अब हमें जितनी मोहरी की ज़रूरत होगी, जितनी चौड़ाई की, उस हिसाब से हम नापेंगे और इस तरह से हम उसी जगह पे हम पकड़ लेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते लगाते पूरी गोलाई में हमें शुरू से लेके एंड तक, दूसरे पाँव तक हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने में हम लास्टिक को नहीं लगाएंगे, पहले एक सिलाई हम पूरे गोलाई में लगा लेंगे, फिर दूसरी सिलाई से हम इस तरह से लास्टिक को सिलाई लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक। दूसरे वाले पैर में भी हम उसी तरह से लास्टिक को दोबारा वाली सिलाई में हम स्टिच कर देंगे और बेल्ट को भी बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने राजपूती पैजामा बना करके तैयार कर लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत पैजामा बन के तैयार हुआ है। ये पहनने में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा अगर आप अपने बच्चों को बना करके पहनाएं। किसी भी शेरवानी, कुर्ता, कुर्ती किसी के भी साथ पहना सकती हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगेगा। ये पैजामी हमने लगभग 4 से 5 साल तक के बच्चों के लिए बनाया है। इस पैजामी को बनाने में 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी और ये 1 मीटर में बिल्कुल सही पैजामा बनके तैयार होगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कटिंग में। तो उम्मीद है कि आज की हमारी राजपूती पैजामे की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पैजामे की वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।